पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की जिसका बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। बैंक पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज खाताधारकों ने धनतेरस पर मुंबई में पीएमसी बैंक की एक ब्रांच के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पैसा न होने पर काली दिवाली मनाने की बात भी कही, क्योंकि पीएमसी बैंक घोटाले के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हालत ये है कि खाते में पैसा होते हुए भी लोग दिवाली पर खर्च नहीं कर पा रहे, जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे, जिससे नाराज प्रदर्शनकारी मुंबई की अंधेरी की एक पीएमसी ब्रांच पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हमारी दिवाली काली है, हमारी दिवाली काली है, हमारी दिवाली काली है, वी वांट जस्टिस। बैंक के ग्राहकों को उनकी जीवन भर की कमाई डूबने का डर सता रहा है, जिसे उन्होंने अपनी बचत खाते और एफडी के रूप में बैंक में जमा कराया हुआ है। तभी तो देखिए कैसे ये लोग त्योहार पर घर बार छोड़कर हाथों में तख्तियां लिए खड़े हैं, जिन पर लिखा है कुमकुम भरे कदमों से आई लक्ष्मी रास्ते पर, धनतेरस पर धन नहीं, मोदी जी अब तो मदद करो। हमारा पैसा, हमारा पैसा, खाता धारकों के विरोध प्रदर्शन के बाद आरबीआई ने खाते से पैसे निकालने की सीमा पहले 10,000 रूपए और फिर उसे बढ़ाकर 40,000 रूपए कर दी थी, जिससे बैंक ग्राहक नाराज हैं। उनका कहना है कि वो अपने पैसे को भीख की तरह क्यों लें? हालांकि आरबीआई ने भरोसा दिया है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जैसे हालात हैं उनके मुताबिक खाताधारकों को आरबीआई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दवा पानी के लिए, अपने खाने के लिए थोड़ा पैसा जोड़ा था, बहुत मुश्किल हो गया। जिसने किया उसको शर्म नहीं आई, जिसने किया सरदार लोग के साथ जिसने किया शर्म नहीं आई उसको। हमारा पैसा गरीबों का खाने का, उसको कोई हक नहीं है, कभी उसको चैन नहीं मिलेगी। मेरा जीवन का राशि वहाँ पे पड़ा है, मेरा आदमी टेलर का काम करते है, भूखा पैसा मर मर के हम लोग पैसा जमा किया है। आज मोदी कहाँ गए, आज कहाँ सोए, हमको कुछ राहत दिए? जितनी गलती एचडीएल की है उतनी ही गलती आरबीआई की भी है। अगर 11 साल में वो ये ऑडिट बराबर नहीं कर पाए, उनके पास पैसे हैं, वो ये पैसे डालिए, हमारी दिवाली काली मत कीजिए। आज इलेक्शंस भी हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, लोग जीत भी गए, लेकिन हम लोग वहाँ के वहाँ खड़े हैं। सब न्यूज चैनल्स में सिर्फ इलेक्शन का बताया जा रहा है, हमारे दुख तकलीफ कोई नहीं देखता पड़ा। इस बीच पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक से अभी तक ग्राहकों को 40,000 रूपए निकालने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में 50,000 रूपए तक निकालने की अनुमति भी उनको दे दी गई है। पैसा निकालते समय ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए ग्राहकों को डॉक्टर से लिखवाकर खर्च के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और इलाज के बिल भी ग्राहकों को जमा कराने होंगे।